इस सृष्टि में सभी का घर नॉर्थ फेसिंग संभव नहीं हो सकता। सभी की अपनी परेशानियां हैं, उपाय भी बताएं। सभी लोग नॉर्थ फेसिंग के मकान में रहेंगे भी नहीं, क्योंकि समाज में सभी लोग इन चीज़ों को मानते भी नहीं, और हमें दूसरों के जीवन से ज़्यादा संबंध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी ही प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं और अपने दुख से हम दुखी होते हैं। आप अगर अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूर मैं ये आपको एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ये कोई एक आदमी के लिए एडवाइस नहीं है। मैं ऐसे लाखों लोगों के जीवन को जानता हूँ पिछले 25 सालों में जो मैंने देखा है, और सभी धर्मों के, सभी प्रांतों के, सभी देशों के, अलग अलग देशों में अलग अलग मजहबों को मानने वाले, अलग अलग ढंग से करने वाले लोग, तो उनमें जो भी जो नॉर्थ फेसिंग में हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, अंततो गत्वा जो ईस्ट में भी हैं, वहाँ तक सब ठीक है, उसके अलावा सब गड़बड़ है। अब इसमें आप कह सकते हैं जी फलाना आदमी तो बहुत अच्छा है, अभी आपको क्या पता कि उसका क्या अच्छा है, और उसका जहाज़ टाइटैनिक डूबते डूबते डूबता है, वो जिस दिन डूबेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। और हमें उस दूसरी की तरफ दृष्टि कभी रखनी ही नहीं चाहिए, अगर आपने या तो इस विषय को मानिए ही नहीं, और जिस अवस्था में हम रहते हैं हमें वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर इस विषय को मानते हैं तो कम से कम अपने जीवन का जरूर सुधार करें। और बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, उनके लिए दक्षिण दिशा छोड़ दें आप, उनके लिए पूरे पश्चिम, चूंकि अभी ईश्वर ने उनसे हिसाब किताब चुकता करना है, तो उनको उनको जानबूझ के ऐसी बुद्धि देगा परमात्मा कि मानेंगे ही नहीं इस बात को, मजाक और उड़ाएंगे और ऐसे ऐसे प्ली देंगे कि, क्योंकि नास्तिक का बल बहुत बहुत होता है, तो नास्तिकों को आस्तिक नहीं बनाना है। आप आस्तिक रह करके अपने जीवन को स्वास्तिक बनाएं तो जीवन अच्छा होगा, नास्तिक को आस्तिक बनाने में ना पड़ जाएं। उनको कहिए ठीक है आप इसी में मौज लो जो आप ले रहे हो, और आपको खुद थोड़े दिन में सब समझ आने लगेगा कि कहाँ क्या कैसे कुछ है। तो चूंकि ये बातें हमने बिना अनुभव के आपसे नहीं कही, और ये हजारों लोगों के, 20,000 लोगों के ऊपर अनुसंधान के बाद ये बात हम आपको इतने भरोसे और इतने विश्वास के साथ आप तक पहुँचाते हैं। ये कोई किताब में पढ़ के आपको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ बात को, ये बात मेरे अनुभव से गुजरी है, इसलिए मैंने आपको कहा है, और मैंने सभी मुख्य मकानों में रहकर स्वयं देखा है, कई कई वर्ष देखा है, इसके बिना मैं नहीं कहता। मैंने सभी मुख्य मकानों में रहा हूँ, और फिर उसका पूरा एक पूरा अनुसंधान करके उसके पूरे चीज़ें नोट की हैं कि यहाँ क्या हुआ, कैसे रहा, क्या क्या प्रभाव। जबकि हम दुनिया भर के आश्रम आप आते हैं, आश्रम में जब आप प्रविष्ट होते हैं, आपने कभी नोट किया ये बात कि हमारा सर्विस गेट, वो सर्विस गेट ही है, बाकी मुख्य गेट तो सामने खुलेगा जो नॉर्थ में होगा, जो हमारा सर्विस गेट है वो अग्निकोण में है, आप जानते हैं हमने उसको, जबकि आश्रम में इसका नियम लागू नहीं होता, देवालयों में लागू नहीं होता, ज्योतिर्लिंगम में लागू नहीं होता, जहां मर्जी वो खोलिए, जहां मर्जी कुछ कीजिए, 9 ज्योतें अखंड ज्योत के रूप में सदा प्रदीप्त होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। फिर भी बैलेंस करने के लिए 350 किलो के गणेश जी वहाँ बैठाने पड़े दरवाजे के बराबर में, उसको बैलेंस किए हुए, तो ये बड़ा एक अद्भुत बात है, क्योंकि उस समय यहाँ पहाड़ की अपनी विवशताएं हैं, वहाँ नहीं कर सकते थे उसको, लेकिन बाकी सारा का सारा प्रसाद हमने नॉर्थ मुखी रखा है। आप कोई भी चाहे अन्नपूर्णा रसोई हो, चाहे हमारा हॉल हो, कुछ भी, सब नॉर्थ फेसिंग मिलेगा आपको। तो ये अगर हम ख्याल में ले लें तो ये इससे भी हमें समझना चाहिए, और इस पर लगभग 4 गुना खर्चा आया है। अगर इसको हम सीधे सीधे सड़क के किनारे साउथ में खोल दिए होते तो यहाँ चौकीदार सीटी बजा रहा होता, ना हम यहाँ बैठे हुए होते, ना कुछ हम कर रहे होते, हम कहीं कुछ और कर रहे होते और यहाँ कुछ और हो रहा होता। तो ये अपने उदाहरण से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है, तो आप अगर इस पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके निजी जीवन में आनंद और प्रसन्नता का समावेश करने का है, कि आप अपने जीवन में इन ऊर्जाओं का समुचित उपयोग करके अपने ज़िंदगी को अच्छी और बेहतर बना सकें, ये मेरा उद्देश्य है, इसलिए आपसे बात कहता हूं। ना तो दक्षिण मुखी मकान में बेचता हूं कि मुझे कोई घाटा हो रहा है, ना मैं उत्तर मुखी मकान बेचता हूं, ना मैं कोई नक्शा बनाता हूँ किसी का कि मुझे उससे कोई अंतर होता हो, मैं तो आपको जो सत्य है वो बता रहा हूँ, और अगर जिनको ज्यादा खुजली है वो उनमें रह करके देख लें, कुछ वर्ष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आर्याम अभयाम बायाम भज रे रे चित सन Yeah.